महाशिवरात्रि को लेकर हजारों श्रद्धालुओं ने किया गोरखनाथ धाम में जलाभिषेक। शुक्रवार को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आजमनगर थाना प्रांगण स्थित शिव पार्वती मंदिर स्थित हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के लिए हवन किया गया तथा गोरखपुर पंचायत स्थित बाबा गोरखनाथ धाम मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचकर मंदिरों में बम भोले और हर हर महादेव गूंज रहा है। मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। गोरखनाथ मंदिर में शिव को जल चढ़ाने के लिए फल फूल बेलपत्र गंगा जल दूध अगरबत्ती लेकर भक्त सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। यहां पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हर हर महादेव के नारे से मंदिर परिसर गूंज रहा है। महाशिवरात्रि को लेकर कटिहार जिला सहित बंगाल नेपाल आदि सहित देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुंचकर जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आजमनगर प्रखंड के गोरखपुर पंचायत स्थित बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर पहुंचे, जहाँ बाबा भोलेनाथ के दरबार में जलाभिषेक किया गया। शंभुनाथ राम सालमारी उप अध्यक्ष उमेश पासवान अपने पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था के बागडोर संभालते हुए नजर आए। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध होकर बाबा के दरबार में पूजा अर्चना किया जा रहा है। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर गोरखधाम में लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं जल चढ़ाने के लिए, और इससे ज़्यादा भीड़ कल होने की संभावना है। यहाँ नेपाल से, भूटान से और बंगाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं जल चढ़ाने के लिए। क्या विशेषता है यहाँ? सच्चे मन से जो भी शिव भक्त बाबा के दरबार में आते हैं उनका मनोकामना बाबा जरूर पूरा करते हैं।